नमस्कार, आप देख रहे हैं द बीएनवाई न्यूज। मैं विवेकानंद यादव। होली पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भारत सहित बिहार के लोगों ने आनंद पूर्वक तरीके से मनाया। होली की पौराणिक परंपरा है, इस परंपरा को निभाते हुए लोगों ने कोरोना वायरस की हवा को चलते देखने के बावजूद रुक नहीं सके और होली मनाए। इसी होली का असली आनंद लेते हुए देखे गए तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं अपने पिता लालू प्रसाद यादव के परंपरा को निभा रहा हूँ, कुर्ता फाड़ होली मैं मना रहा हूँ। और तेज प्रताप यादव अपने आवास पर अपने सहयोगियों और समर्थकों के साथ दंगल होली खेला और साथ ही साथ साइकिल से भ्रमण करके उन्होंने होली खेला। साइकिल से भ्रमण करने के बाद उन्होंने बुलेट से भ्रमण करके अपने साथियों के साथ हुड़दंग मचाते हुए होली का आनंद उठाया। राबड़ी आवास जाकर अपने माँ को अबीर लगाकर चरण स्पर्श करके तेज प्रताप यादव ने माँ से भी आशीर्वाद लिया। माँ होली मना रही थी अपने बच्चों के साथ। राबड़ी देवी और तेज प्रताप का मिलन मानो माँ बेटे का एक गजब का मिलन देखा गया और काफी उत्साह के साथ राबड़ी आवास पर तेज प्रताप ने अपने माँ के साथ होली खेला और माँ का चरण स्पर्श करके फिर निकल पड़े अन्य जगह पर होली खेलने के लिए। तो तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि जनता से जुड़े रहने के लिए यह पौराणिक परंपरा होली खेलनी है। मैं होली का आनंद ले रहा हूँ, पिता के परंपरा को निभा रहा हूँ, लेकिन सरकार के कुछ लोग जनता से जुड़कर नहीं रहना चाहते और होली नहीं खेलना चाहते। साफ सफाई अत्यधिक जरूरी है, ना साफ सफाई होने से ही कोरोना फैलती है, कोरोना होली खेलने से नहीं फैलती। यह भ्रम फैलाया गया है सत्ता पक्ष के द्वारा कि कोरोना के कारण होली नहीं खेली जाएगी। तो यह होली बड़ा ही आनंद पूर्वक तरीके से लोगों ने मनाया और तेज प्रताप ने भी बहुत ही आनंद पूर्वक तरीके से होली मनाकर लोगों को एक संदेश देने का प्रयास किया कि यह होली एक पौराणिक परंपरा है और इसमें दोस्त दुश्मन, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई सारे धर्म के लोग मिलकर होली खेलते हैं। यह एक भारत के सांस्कृति को जीवित रखने के लिए एक मिलन है, होली मिलन। और होली का पर्व हमारे पौराणिक परंपराओं को जीवित रखने में अहम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।